जय हिंद साथियों। साथियों आप सीधा खबर को देखने के लिए इस वीडियो को शुरुआती 40 सेकंड के लिए स्किप कर सकते हैं, यानी 40 सेकंड बाद खबर शुरू होगी। दरअसल साथियों शरीर का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाए। आप सभी भगवान से मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि जो दिक्कत मुझे हुई है अगर उसकी रिपोर्ट गड़बड़ आई तो हो सकता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। इसलिए आप सभी साथियों के सभी भाइयों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और चलिए अब बात करते हैं सीधा खबर पर। सेना भर्ती रैली, एग्ज़ाम, TOD और उम्र में छूट, इन चार मांगों को लेकर युवा काफ़ी समय से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इन मांगों पर कोई असर, कोई सुनवाई होती नहीं दिखी। फिलहाल सेना भर्ती को लेकर ताज़ा खबर यह है कि तेज तर्रार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही सेना में TOD सिस्टम लागू होने वाला है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पूरी जानकारी दे दी गई है। तेज तर्रार की रिपोर्ट में यह तक कहा जा रहा है कि आज इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार निर्णय लेगी, फाइनल करेगी, जिसमें इस भर्ती को लेकर तमाम नियमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और एक फाइनल लेआउट इसको लेकर तैयार कर लिया जाएगा। यानी भर्ती के लिए क्या क्या नियम कायदे मापदंड रहने वाले हैं उनको लेकर पूरी एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी। वहीं दूसरी ओर टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर ही KJ कृषि जागरण न्यूज वेबसाइट की ओर से भी एक बड़ा दावा किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि TOD के तहत भर्ती होने वाले युवाओं के लिए जो आयु सीमा रहने वाली है वो 18 से 24 साल होगी। इन युवाओं को शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, इन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। जबकि बात करें शैक्षिक योग्यता की तो यह भारतीय सेना में जो अभी तक सेना भर्ती रैली हो रही है उसके समान होनी चाहिए। हालांकि TOD के तहत भर्ती में आयु सीमा को लेकर या और जानकारियों को लेकर किसी दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी जानकारी देखने को नहीं मिली है, लेकिन जैसे ही सरकार व सेना TOD को लेकर फाइनल गाइडलाइन तैयार कर लेगी तभी जाकर युवाओं को इसके बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सकेगी और तभी युवाओं को TOD नियमों को लेकर जो एक युवाओं में जिज्ञासा है, उनके इसको लेकर जो तरह तरह के सवाल हैं, इन युवाओं को यह गाइडलाइन पूरी जारी होने के बाद ही इनके सभी जवाब मिल सके। तो चलिए साथी फिर मिलते हैं सेना भर्ती से जुड़ी किसी नए अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।